दोस्तों अगर आप पिंपल्स या डार्क स्पॉट से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पिंपल्स या पिंपल्स के बाद होने वाले डार्क स्पॉट को कम करने के 5 घरेलू इलाज, मतलब पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स को कम करने के 5 बेस्ट होम रेमेडीज। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, ओटमील। दोस्तों ये हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों ओटमील में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे फिनॉल्स और स्पोनिंस, जो दाग और धब्बों को कम करने में मदद करते हैं और इसके साथ ही साथ आपके पिंपल को और उस जगह पर होने वाले सूजन और दर्द को भी कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों बात करें इसको कैसे यूज करना चाहिए, तो दोस्तों 3 चम्मच ओटमील लें और उसके अंदर 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच मिल्क मिक्स करें और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करें और इनका पेस्ट बनाएं, फिर अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें, फिर उसको आधे से 1 घंटे में धो लें। दोस्तों ऐसा आप वीक में 2 से 3 मर्तबा करते हैं तो आपका स्किन जल्द ही चमकने लगेगा और पूरे दाग और धब्बे भी चले जाएंगे। नंबर 2, एलोवेरा। दोस्तों माना जाता है एलोवेरा एक सुपर हीरो है स्किन के लिए। दोस्तों एलोवेरा में एक स्पेशल स्किन लाइटिंग कंपाउंड होता है जिसका नाम एलोइन है। ये स्किन पर मौजूद दाग और धब्बों को कम करने के लिए मदद करता है और दोस्तों एलोवेरा में इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जो एक्ने और पिंपल को कम करते हैं और स्किन को ग्लो करते हैं। दोस्तों बात करें इसको कैसे यूज करना चाहिए, तो दोस्तों आप पहले एलोवेरा का एक पत्ता काट लें और उसे साफ करके अपने स्किन पर उसे हल्का सा मसाज करें। ऐसा आपको दिन में 2 मर्तबा करना चाहिए। दोस्तों इसे यूज करने के बाद आपको थोड़े ही दिन में फर्क देखने मिलेगा, आपके स्किन पर मौजूद दाग और धब्बे भी चले जाएंगे और आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। नंबर 3, टर्मरिक। दोस्तों हल्दी को बहुत पुराने जमाने से यूज किया जाता है अपने चेहरे पर ग्लो लाने के लिए। इसके अंदर एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम क्यूरक्यूमिन है। ये बहुत तेजी से स्किन पर मौजूद दाग और धब्बों को कम करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। दोस्तों बात करें इसको कैसे यूज करना चाहिए, तो दोस्तों आप 1 चम्मच हल्दी लें और उसके अंदर 1 चम्मच मिल्क और 1 चम्मच लेमन जूस मिलाएं और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर इनका पेस्ट बना लें और अपने चेहरे पर लगा लें। इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। दोस्तों अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार करते हैं तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने मिलेगा। नंबर 4, पपैया। दोस्तों पपाया में बहुत अच्छी मात्रा में AHAs और पपिन पाया जाता है। दोस्तों ये स्किन पर मौजूद डेड सेल को साफ करते हैं और स्किन पर क्लोजन को बढ़ाते हैं और दोस्तों इसके अलावा भी ये चेहरे पर के दाग और धब्बे को भी कम करते हैं और चेहरे पर ग्लो लाते हैं। और दोस्तों पपैया इसके अलावा भी हमारी एल्बो और नीज को भी वाइट करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों बात करें इसको कैसे यूज करना चाहिए, तो दोस्तों पके हुए पपैया का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करें और 20 मिनट के बाद इसे धो लें। और दोस्तों इसके अलावा आप कच्चा पपैया भी यूज कर सकते हैं। आप कच्चे पपैया को लेमन जूस के साथ मिक्स करें और अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें और इसे 15 से 20 मिनट रखकर फिर धो लें। दोस्तों आप इसे वीक में 1 से 2 बार भी करते हैं तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये थे 4 बेस्ट होम रेमेडीज डार्क स्पॉट्स को और पिंपल्स को और एक्ने को कम करने के लिए, और इन्हें आप यूज जरूर करें और आकर कमेंट कर बताएं आपको रिजल्ट कैसा मिला। और जाते जाते वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।